Hello friends, once again I am back with another vlog in the series of modifications we are having on Meteor 350. So today's vlog, as you have as you would have made out from the title itself, that it is about the top box shad 42 liters which I have installed on my Meteor 350. सो बेसिकली इसको मैंने इसलिए इंस्टॉल किया है बिकॉज आपने मेरे पिछले वीडियोज़ देखे होंगे SH23 साइड पैनियर्स मैंने लगा रखे हुए हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड अदर इशूज़ इनमें क्लियरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, एंड आई थॉट टॉप बॉक्स विल बी बेटर ऑप्शन, एंड इसलिए मैंने टॉप बॉक्स इंस्टॉल किया. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्टली कि मैंने इसे कहाँ से ख़रीदा. आई हैव बॉट इट फ्रॉम आई थिंक AH हेलमेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आई गेस फ्रॉम देयर इटसेल्फ. अदरवाइज और भी एक दो साइट्स हैं ऑनलाइन जहाँ पे मिल जाएगा. सो इफ़ यू आर इन दिल्ली NCR देन चोपड़ा ऑटोमोबाइल इन करोल बाग, आई थिंक दैट इज़ द नेम ऑफ द शॉप, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. एंड अप्रॉक्सीमेटली इसका प्राइस 7500 के आसपास रहता है, 7500 रुपीज़ प्लस माइनस प्रॉब्ली 100-200 रुपीज़ में आपको ये टॉप बॉक्स मिल जाएगा. प्लस इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने बैंडिडोस पिट स्टॉप का रैक मंगवाया था, और प्लस उसकी प्लेट मंगवाई थी बैंडिडोस की. बॉक्स के साथ उसकी अपनी प्लेट भी आती है विच इज़ ऑफ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. सो बेसिकली आपको बॉक्स की प्लेट, उसके नीचे रैक की प्लेट जो मेटल की है, और उसके नीचे सबसे नीचे है रैक. सो दैट इज़ अ फुल सेटअप which I'll show you later on. So let's now talk about the capacity of the box. जो box है ये basically 42 liters का है. As you can see that it is pretty big. Can if you see that the size is quite big, and pardon my tacky stickering, it's looking I know quite blingy, लेकिन safety comes first, and as you know Delhi में अभी और in fact North India में fog start हो जाएगी probably in another fortnight, so it is important that you have sufficient lights and reflective surfaces on your bike, so that it gives you adequate protection when the visibility is poor, people are able to spot you. So that's why there's so much of stickering. That's all DIY. Basically, 3M का tape मंगवाया था मैंने, and I've made it myself. All these Voyage and Meteor, you can see it's written. So Shad, ये original जो box के साथ बस इतना ही एक sticker लगा था Shad, and यहाँ पे एक SH42, you can see that is the one जो original है. बाकी every stickering is I have done it myself. So अब box खोल के देखते हैं कि इसमें कितनी जगह है. This is how it opens. Okay, इसमें ये मैंने अपना राइडिंग जैकेट रखा है. इसकी आप मैंने फोल्ड कर दिया है इसको. नाउ यू कैन सी आराम से ये छोटा सा एक छोटा बैग है ये यहाँ पे आ जाएगा. और ओके, दिस इज़ माई फुल फेस LS2 हेलमेट. सो ये राइडिंग जैकेट आ गया, हमारा बॉक्स आ गया, सॉरी राइडिंग जैकेट आ गया, ये छोटा बैग आ गया, पूरा फुल फेस हेलमेट आ गया. एंड लेट्स सी अब ये बंद होता है या नहीं. परफेक्ट, सी कंफर्टेबली बंद हो गया है ना. इसके बावजूद देर इज़ लॉट ऑफ स्पेस लेफ्ट. एक्चुअली उसके ऊपर भी आप पतली चीज़ें कुछ डाल सकते हैं. अगर आप स्मार्टली पैकिंग करें तो यू विल फाइंड that there is lot of space in it. अब जैसे यहाँ हेलमेट के अंदर खाली जगह है, तो दिस बैग कैन ईजीली गो इन इट एंड यू कैन यू नो पुट इट. सो ये भी राइडिंग जैकेट भी कितना, इट्स हार्डली ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द बॉक्स. ऊपर का हाफ जो है वो खाली है. इसमें सिर्फ मेरे एल्बो गार्ड्स लगे हुए हैं एंड शोल्डर गार्ड्स आर देयर. बैक एंड चेस्ट इज़ नॉट एज ऑफ नो इन द जैकेट. सो अकॉर्डिंगली इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा जैकेट का, बट स्टिल यू कैन ईजीली पुट इट इन साइड. No, I'll show you the another. This is a small helmet. This is studs helmet, which generally my wife wears and or my children. तो हम देखते हैं इसमें. अब यू स्टिल यू कैन सी दिस लॉट ऑफ स्पेस. दोनों हेलमेट्स आराम से आ जाते हैं, है ना. सो एज फार एज अ कैपेसिटी इज़ कंसर्न, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है. एंड आई वुड
recommend also ki you shouldn't put a box bigger than this. In fact, this is the biggest you should put on Meteor. Uske do reasons hain. Because these boxes, isse bade jo boxes honge, they are meant for bikes which are very heavy cc, and their unki chassis itself is very heavy, so that it can, you know, give support to the big box. Kyunki aap jab usme samaan dalenge uska weight badh jayega. So, and second thing is stability issue. Jitna bada box hoga utna aapko stability ka problem aayega, especially on a hilly terrain. Aap upslope mein jab jayenge, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बाइक का वो पीछे आ जाएगा एंड ऊपर आ जाएगा, तो हैंडलिंग इश्यूज आएंगे, हैंडलिंग प्रॉब्लम्स आएंगी. तो आई वुड सजेस्ट 42 लीटर्स इज़ द मैक्स. अगर आप उससे थोड़ा छोटा भी लेते हैं तो वो भी चलेगा. नाउ जस्ट फॉर योर पर्सपेक्टिव, आई हैव टेकन दिस HP का जो स्टोर में लैपटॉप के साथ जो बैग मिलता है, एंड इसके अंदर 15-inch लैपटॉप है. I just want to show you how much of the space you have. You see how comfortably it has come. Because last vlog mein jab maine side panniers ka video dala tha, to people had question ki bhai isme laptop aa sakta hai ya nahi, because most of the people commute to their offices on their bikes, and that's a very you know, good question. So I thought ki is wale vlog mein main aapko ye bag ke sath dikhata hu. Agar aap ye dekhen, ye bag jo hai सही लैपटॉप कितनी आसानी से HP का इसमें अंदर चला जा रहा है. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी कि इसको माउंट और डिसमाउंट करना, हाउ इजी इट इज़ और हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़. राइट नाउ द बॉक्स इज़ फिक्स्ड. तो इसमें आप, इफ़ यू सी द हैंडल, ये आप इस हैंडल को ऐसे हल्का सा उठाएंगे, ये है, यू पुट योर फिंगर्स इन एंड यू हैव टू पुल इट अप लाइक दिस, और फिर आप, ये आपका लूज हो गया. हाँ, इसको पुल करके पुश करना है, ऊपर की तरफ पुश करना है, और उसके बाद आप यहाँ से इसको ऐसे फिंगर से उठा देंगे, तो ये बॉक्स अभी आपका इजीली ऐसे खुल सकता है. फिर आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए. अब अगर डिसमाउंट करना है तो इसी को आपने हैंडल को उठाना है. अब यहाँ पे नीचे एक यहाँ ओपन करने के लिए ऊपर था, इसको डिसमाउंट करने के लिए नीचे है. सो यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस एंड हैंडल के साथ इसको बस ऊपर खींचना है. सो हाउ इजी इट इज़, ये आपका बॉक्स जो है वो यू कैन कैरी इट इन योर हैंड एंड गो टू योर होटल रूम, ऑफिस, वेयर एवर यू वॉन्ट टू. नाउ अगेन माउंटिंग के लिए यहाँ पे दो स्लॉट्स हैं. यहाँ पे आपको ये चीज़ घुसानी है एंड ये चीज़ इसके अंदर आएगी. ये ठीक है. सो अब इसको वापस चढ़ाने के लिए अगेन वी हैव टू जस्ट अलाइन द स्लॉट्स लाइक दिस, और फिर इसी लीवर को हमने खींचना है और बॉक्स को प्रेस करके इस लीवर को छोड़ देना है. हो गया फिक्स. सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट बॉक्स. आप इसको कभी भी आसानी से ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं. और with the side boxes, it really gives a very beautiful look. Actually, Honda Goldwing या उस type का छोटा Honda Goldwing का baby लगती है Meteor then. So other cruisers जैसे Harley के भी हैं, they also have similar looks, you know, with the side boxes and top box, the full touring setup, it looks really nice. फ्रेंड्स, नो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ आई विल शो यू कि मैंने ये पूरा सेटअप माउंट कैसे किया Meteor पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन डूइंग दिस. पहले मैंने जो वीडियोज़ बनाए थे उस पर साइड बॉक्सेज जैसे माउंट किए थे, उस पर प्रॉब्लम भी आ रहा था. द साइड बॉक्सेज वर प्रिटी बिहाइंड, मतलब अभी जो प्रेजेंट पोजिशन है इससे कोई 6 inches और प्रॉब्लम मोर देन दैट, दे वर स्लाइटली बिहाइंड. और तो उसमें एंड द रैक ऑन विच आई हैड माउंटेड, उसका जो रैक का हाइट वॉज मच लेसर, वो नीचे था, ऐसे कर्व नहीं था जैसे ये ऊपर है ना. तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बॉक्सेस के साथ आई वॉज नॉट एबल टू इंस्टॉल द टॉप बॉक्स, बिकॉज टॉप बॉक्स जो है उन दोनों को टच कर रहा था ना. आपके बॉक्सेस खुल पा रहे थे दोनों साइड बॉक्सेस, एंड यू कुडंट ओपन दिस साइड बॉक्सेस, एंड द इंस्टॉलेशन इटसेल्फ ऑफ द ऑफ दिस टॉप बॉक्स वॉज इम्पॉसिबल. So I have struggled. So I'll show you how I have managed the full setup. Let me first take this out. Okay, ये आ गया बाहर.
ये मेरे साइड बॉक्सेस को भी मैं निकाल देता हूँ. इफ यू नोटिस हाउ कन्वीनियंट इज द फुल सेटअप, मतलब आप एक मिनट के अंदर, विद इन वन मिनट एवरीथिंग इज ऑफ. सो दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस सेटअप. जब आपका मन करे बॉक्सेस नहीं चाहिए आप निकाल दीजिए, जब मन करे चाहिए तब लगा लीजिए. ओके, सो हेयर इज माई फुल सेटअप. एज यू नोटिस ये हमारा जो रॉड है, दिस ये है रैक का, जो बैंडिडोज का जो रैक है ये पूरा का. ओके या हेयर दिस फुल रॉड इज गोइंग लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ पे जो रेयर एलन की है उसमें सबसे बाहर आ जाता है आपका रैक. उसके बाद आपकी आती है बैक रेस्ट यहाँ से यहाँ तक. एंड द लास्ट पार्ट इज ये जो आप प्लेट देख रहे हैं विद द होल्स एंड ऑल, ये आपके SH-23 का जो माउंट है उसका पार्ट है, मतलब साइड बॉक्सेस का जो माउंट है उसका पार्ट है. यहाँ से एस ये या हेयर इट गोज़ लाइक दिस देन टर्न्स. और यहाँ से सेकेंड प्लेट जो मैंने पहले नट्स और बोल्ट से जोड़ी हुई थी लास्ट टाइम, बट नाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ से ये रॉड आ रहा है, सो आई कुडंट यू नो जॉइन इट, तो आई हैड टू गेट इट वेल्डेड. बेसिकली ये मैंने वेल्डिंग करवाया. सो यू विल हैव टू गो टू ए गुड फैब्रिकेटर जो अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग करे. एंड देर आफ्टर दिस आई हैव, दिस इज़ ओरिजिनल SH-23 की रॉड है, माउंटिंग रॉड. और यहाँ पे मैंने एक अलग से फैब्रिकेटर से एक SH-23 के साथ भी एक रॉड आता है, बट आई गॉट दिस फैब्रिकेटेड एट द वर्कशॉप. एंड ये अल्टीमेटली आपके सारी गार्ड के साथ या फुट रेस्ट के पास जो होल दिया है वहाँ पे इसको माउंट करवाया. सो आई होप इट मेक्स थिंग्स लिटिल क्लियर. सो जो पुराना रैक था आई हैव डिस्कार्डेड दैट, सो दिस इज़ अ फुल सेटअप. ओके फ्रेंड्स, नाउ आई विल शो यू कि इसका बॉक्स का जो सेटअप था वो कैसे किया हुआ है. दिस इज़ द बेस प्लेट और यू कैन से द प्लेट ऑफ द बॉक्स जो कि प्लास्टिक की बनी होती है. इसको अगर आप खोलेंगे तो देर आर स्लॉट्स इन इट वेर यू कैन पुट इन योर नट एंड बोल्ट. सेम वे दिस साइड वेर इन यू कैन पुट योर नट्स एंड बोल्ट. जो बैंडिडोज के साथ जो मेटल प्लेट है, एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखें जो ये नीचे दिया गया है, ओके या दिस इज़ अ मेटल प्लेट, इसमें जो होल्स थे वो एक्चुअली इसकी जो बॉक्स की जो प्लेट है उससे मैच नहीं कर रहे थे. तो अभी मैंने इसमें एक्चुअली एक मेरे पास मेटल ड्रिल था तो उससे फ्रेश होल्स किए हैं प्लेट के अंदर. अगर आप ये नोटिस कर देखें, दिस नट एंड दिस नट, इसके लिए जो होल्स हैं वो मैंने खुद ड्रिल किए हैं. एंड ये जो नट्स देख रहे हैं आप, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, सो 1, 2, 3, 4 ये नट्स जो हैं ये बेसिकली रैक के ऊपर जो बेस प्लेट है मेटल वाला उसके लिए. एंड दिस 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 एंड दिस, ओके या दिस वन, दिस इज़ फॉर द माउंटिंग ऑफ योर टॉप बॉक्स का प्लास्टिक प्लेट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द अरेंजमेंट. आपको एक्चुअली अगर सही फिटिंग करनी है बैंडिडोज के प्लेट के साथ तो ये दो होल्स हैं, या फिर सिमिलर आप अपना खुद भी अलाइनमेंट बना सकते हैं, पर आपको एक दो होल्स खुद करने पड़ेंगे. ओके फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग. आई होप दिस विल हेल्प यू बिकॉज़ एक ये बहुत ही बढ़िया सा टूरिंग सेटअप है. आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एज़ फार एज़ जैसे दूसरे बैग्स वैग्स के साथ थोड़ा इशू ये रहता है कि वाटर प्रूफिंग इज़ अ लिटल प्रॉब्लम एंड सिक्योरिटी इज़ अ लिटल इशू. अब इन बॉक्सेस के साथ क्या है कि आपका वाटर प्रूफिंग इज़ 100% इंश्योर्ड, सिक्योरिटी भी काफ़ी डिसेंट होती है बिकॉज देर इज़ अ लॉक. प्लस एक्चुअली द कन्वीनियंस ऑफ टेकिंग दैम ऑफ एंड इंस्टॉलिंग दैम इज़ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इज़ अमेजिंग. मतलब आप में फ्लेक्सिबिलिटी इतना हो जाता है इन बॉक्सेस के साथ कि आपको लाइक फॉर माई ऑफिस दिस थिंग आई जस्ट पुट ऑन द टॉप बॉक्स, वो इतना बड़ा है इतना स्पेशियस है कि आई डोंट नीड एक्चुअली एनी थिंग फॉर माई डे टू डे कम्यूट. जैसे मेरा टिफिन बॉक्स, लैपटॉप, इनफैक्ट माई रेन गियर,
all those things can easily come, and still there is so much of space left. And so it's a good setup. I would recommend, if you have budget, then please go for it. Actually, the full setup, would cost you 7,500 का आपका box आ जाएगा. Plus the rack and the mounting plate would cost around 3,000 to 4,000, depending upon आप कौन सी कंपनी का खरीदते हैं. So 7,500 plus let's say 4,500, आप मान के चलिए 12,000 का ये हो गया. और जो साइड बॉक्सेस हैं, एज आई हैड ऑलरेडी कवर्ड, दे कॉस्ट अराउंड 20,000, दैट्स द प्राइस ऑफ द बॉक्स एंड द माउंट इंक्लूडेड. सो येस, अराउंड 20 plus 12, 32,000 में आपका ये फुल सेटअप आता है. सो येस, इफ़ यू हैव बजट, आई वुड हाईली रिकमेंड एंड दिस बॉक्सेस. आई हैव बीन यूजिंग दिस सेटअप फॉर सम टाइम नो, एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड. So the link of the how to purchase these boxes I will put on the description of the channel, and very soon I will be putting in the next vlog the few changes which I have carried, that is the fog lights I have installed in my bike. Here they are. So abhi main ko cover, and I'm not going to cover them up now because as such the vlog has become pretty long. So that this you will be watching next time. And plus there is a handlebar extender which I have ordered in Amazon. So if I'll put it here, because अभी क्या है कि मोबाइल माउंट यहाँ पर मैंने लगा रखा है, एक तो एक साइड पर हो जाता है, ये थोड़े साइड में रह जाता है एंड थोड़ा एक एंगल पर रहता है, तो आई वॉन्ट इट टू बी इन द सेंटर सो दैट मेरा आगे भी साइट रहे और यहाँ पर आई कैन जस्ट लुक एट इट व्हेनेवर आई वॉन्ट टू. So stay tuned guys, and if you have liked the content, if you have if you feel that this will add value to your Meteor, please like, subscribe, because there's a lot of effort which has gone into it, and it's not my effort, these are effort of my kids as well, those who are behind the camera. So yes, like, subscribe and share.